हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली। दीपाली'स फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कढ़ाई। वैसे तो पनीर कढ़ाई अपने रेस्टोरेंट में बहुत खाई होगी, पर आज हम बनाएंगे होम स्टाइल पनीर कढ़ाई रेसिपी, और जो कि बहुत ही इजी है, क्विक है और इंस्टेंट बन जाती है ये सब्जी। तो आइए हम बनाते हैं पनीर कढ़ाई। आइए देखते हैं कि कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, 3 टमाटर कटे हुए, 1 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां, फिर ये है कढ़ाई मसाला, ये है चरखी फूल, एक मैंने लिया हुआ है, 2 छोटे चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच धनिया और 4 सूखी लाल मिर्च, और ये है 2 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिया हुआ है बड़ा कटा हुआ शिमला मिर्च, ये है 250 ग्राम पनीर, ये है 1 टमाटर जो कि मैंने बीच में से सीड निकाल लिया हुआ है और बड़ा काट लिया है, ये है 1 छोटा प्याज बड़ा कटा हुआ, 2 चम्मच तेल, ये है लाल मिर्ची पाउडर और ये हल्दी पाउडर, ये है फ्रेश क्रीम 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार। तो आइए देखते हैं कढ़ाई पनीर हम किस तरह से बनाते हैं। और सबसे पहले हम जो ये कढ़ाई मसाला है इसे रोस्ट करेंगे। मैंने डाल दिया धनिया, जीरा, ये चरखी फूल और 4 लाल मिर्च, जिसे हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाए इसे ले लेना है गैस फिर से, और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम लाइट ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। मसाला रोस्ट हो चुका है, बस इसी तरह से इसको रोस्ट करना है लाइट ब्राउन तक। अब इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे, देख सकते हैं इसे अब पीस लेंगे मिक्सी में। अभी हम गैस ऑन कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि फ्राई हो चुका है। अभी मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज, थोड़ा फ्राई कर लेना है जब तक ये प्याज अच्छी तरीके से पक नहीं जाते हैं। इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज लाल हो चुका है, इस तरह से लाल करना है। इसमें हम टमाटर डाल देंगे, चला लूंगी हल्का सा, आंच धीमी कर लेंगे इसकी और हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेंगे। देखिए, देख सकते हैं आप कि टमाटर पक चुका है। अब हम गैस बंद कर दें। अब इसे ठंडा होने के बाद में हमें मिक्सी में पीसना है, वरना आपकी मिक्सी जो है खराब हो सकती है। इसे एकदम ठंडा होने दें, आप पंखे के नीचे रख दें ठंडा होने के लिए, और फिर इसे आप मिक्सी में बारीक पीस लें। अभी आप देखिए कि मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसे आइए पीस लेते हैं, अच्छी सी एक पेस्ट बन जाएगी। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो खड़े मसाले हमने भुने थे, अब इसको भी हमें पीस लेना है। अब ये हो चुका है, देखिए इस तरह से पीसना है। हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, इसे हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर, इसे हम थोड़ा सा भून लें। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज जो हमने बड़े काट के रखे हुए थे, आंच को मीडियम कर दें। शिमला मिर्च, इसे हम सॉटे कर लेंगे। ये जो टमाटर डीसीड करके रखे हुए थे वो डालेंगे हम इसमें, फिर थोड़ा 2 मिनट तक भून लें। इसमें थोड़ा सा इसके अनुसार नमक डालना है हमें। सकते हैं कि ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो पेस्ट डाल देंगे प्याज और टमाटर का, ये हम डाल देंगे। इसे मिला लें अच्छे तरीके से, आंच को मीडियम कर दें। अब हम डालेंगे 1/2 कप पानी। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो कम डालिए, अगर ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज्यादा डाल दें। मैंने अभी 1/2 कप लिया हुआ है पानी। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है। इसमें अब हम डालेंगे ये जो कढ़ाई मसाला हमने पीसा हुआ था वो डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच, 2 छोटे चम्मच जो घर का गरम मसाला है, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, वो डाल देंगे। अब हमने जो अब इसमें नमक डालना है, हमने नमक सिर्फ वो शिमला मिर्च जो फ्राई किए थे और ऑनियन तभी डाला था, अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें 2 बड़े चम्मच दही, दही से बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें फ्रेश क्रीम यूज की है। इसे 2 मिनट तक पका लें। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी पक चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, 250 ग्राम पनीर है इसमें डाल दें, और इसे हम ढक लेंगे 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएं, ताकि मसाला जो है पनीर में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये अपनी सब्जी कढ़ाई पनीर तैयार है। इसे आप धनिया पत्ता से
गार्निश कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल दें गार्निशिंग के लिए, ऑप्शनल है। ये है कढ़ाई पनीर, ये खाने के लिए तैयार है। इसे आप रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।